दुनिया के कई देशों में बारिश और बाढ़ से त्राहिमाम मचा हुआ है। और चीन की बात करें तो तस्वीरें जरा देखिएगा, क्या कुछ हालात यहाँ पर नजर आ रहे हैं बाढ़ के बाद। देखिए, सड़क नजर नहीं आ रही है, बाढ़ की स्थिति, जिसके बाद जिनान की हम बात कर रहे हैं, चीन की ये जगह जहाँ बाढ़ के पानी से सड़क पर किस तरीके से आफत बरसी हुई है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। वाहन डूबे दिखाई दे रहे हैं, पानी कई फीट तक भरा नजर आ रहा है, लोग अपने घरों पर रहने को मजबूर हैं और जो बाहर निकल रहे हैं तो उनकी वाहन किस तरीके से फंसी हुई दिखाई दे रही है, आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। तो ये तुर्की से लेकर चीन की अगर बात करें तो जल प्रलय की स्थिति देखने को मिल रही है और सड़क पूरी तरीके से पानी में लबालब भरी हुई दिखाई दे रही है। जल भराव की यहाँ पर स्थिति है, वाहन आप देख सकते हैं कैसे फंसे हुए नजर आ रहे हैं। तो ये चीन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पानी से सड़क पूरी तरह से लबालब है और जल प्रहार की स्थिति देखने को मिल रही है। बारिश, भारी बारिश के बाद बाढ़। अब दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं, पहली तस्वीर तुर्की की है, दूसरी तस्वीर आप चीन की देख रहे हैं। चाहे बात तुर्की की हो चाहे बात चीन की हो, पहले भारी बारिश और उसके बाद बाढ़ जैसे हालात यहां पर आ गए हैं और अब लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पानी भरा हुआ है, सड़क नजर नहीं आ रही है, तालाब में तब्दील हो गई है। तुर्की की बात करें या चीन की बात करें, एक जैसी स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है। दो वाहन फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं और ये तस्वीरें जरा देखिएगा, पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है, लोग अपने घरों पर रहने को मजबूर हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जहां नजर डालेंगे बस पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। तो तुर्की और चीन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, तुर्की से लेकर चीन में जल प्रलय की तस्वीरें सामने आ रही हैं, भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात और अब लोगों का हाल बेहाल है। खबर चीन से ही है जहां झोंगटोंग शहर में एक फैक्ट्री में धमाका हो गया जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। धमाका किस वजह से हुआ, क्या है पूरी खबर, इस एक मिनट की रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं झोंगटोंग शहर की, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से फैक्ट्री में ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से आग हर तरफ फैल जाती है और ये ब्लास्ट की आवाज भी आप सुन सकते हैं कि जोरदार धमाका होता है और इसी के साथ ब्लास्ट होता है। आसपास लोग भी नजर आ रहे हैं जो वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं, इसी के साथ कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। जोरदार ब्लास्ट के साथ ये फैक्ट्री में धमाका होता है, झोंगटोंग वो जगह बताई जा रही है चीन की जहां पर ये धमाका हुआ है। दो तस्वीरें आप देख सकते हैं, पहली तस्वीर में आपको आवाज भी सुनाई देगी कि किस तरीके से तेज जोरदार धमाका यहाँ पर होता है। दूसरी तस्वीर में लोग चीखते हुए भी आपको नजर आ जाएंगे, जो आसपास के इलाकों से गुजर रहे हैं वो अचानक से हतप्रभ हो जाते हैं कि ये हुआ क्या। बताया ये भी जा रहा है कि कई लोग इसमें घायल हो गए हैं, इसके पीछे की वजह क्या रही है अभी जांच की जा रही है, लेकिन ये तस्वीरें बेहद भयावह है जो साफ तौर पर ये बताती है कि तांडव जिस तरीके से हुआ उसमें कई लोग बुरी तरीके से झुलस गए हैं क्योंकि जोरदार विस्फोट और उसी के साथ आग लग गई है। और बात उत्तराखंड की करेंगे, उत्तराखंड में लगातार पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है जिसकी वजह से नदियां उफान पर है, बाढ़ के हालात हैं। और इसी कड़ी में चंपावत में दरअसल नदी उफान पर आने की वजह से कुछ लोग वहां पर फंस गए थे। एसडीआरएफ की टीम अपने राहत दल के साथ वहां पर पहुंची और बमुश्किल वहां से बारिश और बाढ़ के बीच 11 लोगों को निकाल लिया गया। ये पूरी खबर इस एक मिनट की रिपोर्ट में। उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, कुछ ऐसा ही चंपावत में देखने को मिला। वहां भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया, जल भराव से कई लोग फंस गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई। लगातार बढ़ते जलस्तर और बारिश के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया जिसके बाद वहाँ फंसे 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं बद्रीनाथ में भी पहाड़ का बड़ा हिस्सा खिसक गया जिससे बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पहाड़ से मलबा आने से सड़क के दोनों तरफ आवाजाही बंद हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची जिसके बाद जमीन खोदने वाली मशीन की मदद से पहाड़ के मलबे को हटाने का काम तेज किया गया। बारिश और बाढ़ जैसे हालात को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और यूसीसी के बाद अब उत्तराखंड में लैंड जिहाद का मामला गरमाता दिखाई दिया, जिसके बाद सीएम धामी का दावा है कि कई एकड़ जमीन को मुक्त करा दिया गया है। एक मिनट की रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार